श्री कृष्ण पर टिप्पणी से समाज में आक्रोश, कथावाचक मुरारी बापू पर कार्रवाई की मांग, श्री कृष्ण के परिवार को शराब पीने वाला बताने पर फूटा समाज का गुस्सा। इंदौर के यादव समाज ने संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश में कथावाचक मुरारी बापू की कोई कथा नहीं होने देने एवं उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। यादव समाज का कहना है कि कथावाचक मुरारी बापू ने जो यादव समाज के आराध्य श्री कृष्ण के परिवार पर शराब पीने की जो टिप्पणी की है वह निराधार है। उन्होंने कहा है, ऐसे व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकते जो श्री कृष्ण के परिवार के बारे में ऐसी सोच रखें। गौरतलब है कि देश भर में यादव समाज की ने इस घटना को लेकर खास आक्रोश व्यक्त किया है और पूरे विश्व के भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ जो इस ठगोड़े और पाखंडी मुरारी ने जो अपशब्द कहे, जो परिवार पे जो लाक्षण लगाया है कि सभी लोग शराब पीते हैं, उनके श्री कृष्ण भगवान के बेटे और उनके बड़े भाई बलराम, हम सब उसकी यादव समाज घोर निंदा करता है और ये चेतावनी देते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में यादव समाज उसे कभी ना कथा करने देगा ना मध्य प्रदेश में घुसने देगा। ये घटनाक्रम कहाँ हुआ था जो आप बता रहे हैं शराब पीने का? ये चित्रकूट में महुआ गांव में हुआ था ये घटनाक्रम। उसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि FIR होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो संपूर्ण यादव समाज, वो सारे समाज उसके खिलाफ है। वो संपूर्ण यादव समाज के आराध्य देव नहीं है, सभी वर्गों के भगवान हैं, वो सभी दूर पूजे जाते हैं। वो हमारा ये कहना है कि मिस्टर साहब को ज्ञापन देखें कि उसके खिलाफ FIR होना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। अब आज से हम तैयारी कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से बात हो गई, आज या कल में FIR दर्ज कराएंगे, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे।